लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इलेक्ट्रिक वाहन भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और विभिन्न वाहन निर्माताओं ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों जैसे टाटा, एमजी, हुंडई, महिंद्रा और अधिक को लॉन्च किया है। हाल ही में आयोजित ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान कार कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों और अवधारणाओं का प्रदर्शन किया, जिन्हें वे भारतीय बाजार में लाने का इरादा रखते हैं। शहरों के भीतर उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कारें। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाह रहे हैं, तो बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि, यह तय करने से पहले कि आपको कौन सी कार खरीदनी है, आपको यह जांचना होगा कि कौन सी कार आपके उपयोग के आधार पर आपके लिए आदर्श होगी। महिंद्रा डैश एक्स किमी एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, जिसे शहर की सीमा के भीतर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह 31.5 की इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित है, जो 41 की पावर और 91 का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 21.2 लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है, जो एक सिंगल चार्ज पर 110 किमी की रेंज प्रदान करती है। यह हो सकता है 8 घंटे और 45 मिनट में पूरी तरह से चार्ज। महिंद्रा 100 से 147 किमी। महिंद्रा 100 की घोषणा ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान की गई थी। यह कंपनी की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी 100 का इलेक्ट्रिक संस्करण है। यह एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है, जो 54 पीएस की पावर और 120 एनएम का पीक टॉर्क उत्पन्न कर सकता है। यह 15.9 बैटरी पैक द्वारा संचालित है, जो एक बार चार्ज करने पर 147 किमी की रेंज प्रदान करता है। कार को 6 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। टाटा टिगोर ईवी 213 किमी कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है। यह एक 72 3 चरण एसी